रांची, रांची में नाले में बहकर फलक की मौत हुई है। उस पर आज कला संस्था के अध्यक्ष सज्जाद इदरीसी ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने नगर निगम और सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए परिजनों को नौकरी की भी मांग की। क्या करेगा आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता इसलिए किया है कि जो अभी तक मुआवजा और नौकरी की जो बात आ रही थी तो उस पर हम लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा है कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है और हमको लगता है आश्वासन से दिया गया है। और तीसरी बात, आज अखबार के आपके माध्यम से हमें 3-4 चीज़ें सरकार के सामने रखनी है। पहली, सबसे पहली कि उनका मुआवजा, दूसरा तो उनका नौकरी पर हम लोग रखे ही बात रखें, और तीसरा चीज़ें जो है कि नाला रोड का नाम को चेंज करके फलक नाला रोड रखा जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। और चौथी कि आपकी टीम जो एफए की टीम थी वो 4 घंटे तक सिर्फ झूठ बोलता रहा और वो टीम नहीं आई, और हमारे हिंकली के नौजवान साथियों ने, वो लोगों ने उस बच्ची को जान बचाने के लिए जिस हाल पर थे, जैसे थे, वो उसी तरीके से उस नाले पे घुस करके, अफसोस वो जान नहीं बची, लेकिन लाश भी बरामद की टीम ने ही यही लड़के लोगों ने किया। तो मैं झारखंड के मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूँ।